लेकर बीजेपी आगे चलेगी। मैं समझती हूँ निकाय चुनाव जो है जरूरी चुनाव है प्रदेश के, और ये निकाय चुनाव जो आगे में माने का मतलब भाई मोबाइल नीचे करो यार, मैम सामने देखिए। 1995 से लेकर के अभी तक जो तत्कालीन मेयर रहे वो सब भारतीय जनता पार्टी के रहे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम के बल पे अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ हमारी पार्टी की जो पकड़ है और जनता के बीच जो परेशानियां जानने का काम करती है, 365 दिन हम लोग फील्ड में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सभी जीत की ओर अग्रसर हैं, और सभी को जो है मैं ये कहूँगी कि वोट जरूर डालने जाएं। आज बहुत ही अहम दिन है और ये आपका एक वोट जो है इस प्रदेश की दिशा और जो है भाग्य बदलेगा, तो मैं समझती हूँ बीजेपी के लिए जरूर। बहुत से लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है इस पर की सरकार, तो आपकी ही आप ही प्रशासन है। नहीं, मैं समझती हूँ कि इस तरीके की जो बात होती है कि कभी कभी नाम नहीं आते, ये हर इलेक्शन में है क्योंकि हमारी जो है जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और जो है लोगों का भी पार्टिसिपेशन, मैं समझती हूँ कि उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपनी पर्ची वो स्वयं ले। तो मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगी कि अपने एक बार जरूर जो है बस्ते पर जाकर के अपने आधार कार्ड दे करके, चाहे अपना जो भी आइडेंटिफिकेशन उनके पास हो, वो जरूर जाकर के अपनी पर्चियां चेक करें और BLO से संपर्क करें। बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर तक नहीं है। देखिए व्हील चेयर और डेफिनेटली हर उस पर रहती है, यहाँ पर तो मैं पहली बार ये देख रही हूँ कि पिंक बूथ भी बना है महिलाओं के लिए, तो इस तरीके की बात इसी बात के लिए मैं कहूँगी कि सभी यहाँ पर जो मीडिया के लोग हैं तो जरूर जो है पुलिस प्रशासन से मैम अखिलेश यादव नहीं है तो मैं इसकी व्यवस्था करूँगी। मैम अखिलेश यादव जी मेट्रो से सफर करते हैं, रिवर फ्रंट जाते हैं, कहते हैं कि लखनऊ में भी विकास नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, आज भी हल्की सी बारिश होती है तो पानी भर जाता है, लोग घरों से नहीं कर पाते, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको भी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, आखिर क्या वजह है कि स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से मैं बात करना चाहती हूँ। आदरणीय जब सरगुप्ता भाटिया जी पूर्व मेयर रह चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेयर रह चुकी हैं वो, और उनके जो है आप अपना कैमरा भैया इधर घुमा दीजिए, तो जो है मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी है हमारा कि हमारे 70वें पोजीशन से 5-star रेटिंग के साथ लखनऊ को 70वें पोजीशन पे ले गए, आज की डेट में 12वें पोजीशन पे क्लेंजलीनेस के माध्यम से, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली इस तरीके की बात कहना कि विकास नहीं हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ये बात मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति कहे तो ये अच्छी बात नहीं है।